हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौंग के सेव। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन, साथ में हम लेंगे ऑयल, ये हम 25 ml लेंगे, 25 ml के आसपास। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को ऐसे हाथ में लेकर हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा हम मिलाएंगे इसमें हींग, नमक स्वादानुसार, एज पर टेस्ट इसको हम लेंगे। हल्दी हम बहुत थोड़ी सी लेंगे कलर के हिसाब से। थोड़ी सी हम लेंगे मिर्ची, लाल मिर्ची, अगर इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके साथ में हम लेंगे लौंग और काली मिर्च, 5-6 मैंने काली मिर्च और 5-6 लौंग लिए। इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया है दरदरा और बस ये हम इसको डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, सारे मसाले आपस में मिल जाए, ऑयल भी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से पहले इसको हम ड्राई ही मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी हम और मिलाएंगे, पानी बिल्कुल धीरे धीरे करके ही इसमें हमें मिलाना है। ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये आप इसकी फॉर्म दे सकते हैं, ये वॉटरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा। बस इसी फॉर्म में हम इसको लाना है और इसको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बस हम अपना ऑयल गर्म करेंगे और इसको डायरेक्ट हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है, जब तक हम अपने नमकीन मेकर में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। इसको चारों तरफ से अपन ब्रश से या कैसे भी आप इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। ये वाला कांचा मैंने लिया है, देखिए इसको भी अपन कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस। और इसमें अपन फिल कर लेंगे। इस तरह से इसको पूरा पैक कर देंगे। ये मैंने बिक्स को भर के रेडी कर लिया है, तेल भी गर्म हो गया। चलिए इसको बनाना अपन अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना बनाना। मीडियम गैस पे हम इसको पकाएंगे। जब एक साइड से ये पूरे हो जाएंगे अच्छे से, इसमें झाग निकलना खत्म हो जाएगा जब हम इसको टर्न करेंगे। इसी तरह से मैं अपने सारे बनाऊंगी। देखिए अच्छे से सिक गए हैं, एकदम गोल्डन हो गए हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ। बस इसी तरीके से हम अपने सारे तैयार करेंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए ये सारे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इसको अलग अलग साइज में निकाला है, कुछ पतले हैं, बिल्कुल बारीक सेव हैं। ये देखिए कितने आराम से ये टूट रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने, क्रिस्पी हैं। ये कुछ अलग साइज में हैं, ये देखिए ये मोटे वाले हैं, कुछ बिल्कुल आराम से ये टूट रहे हैं। बस इसी तरह से मैंने ये सारे अपने बना लिए हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।